की हिंसा अब उग्र रूप ले रही है और देश भर में हिंसा के खिलाफ अब आक्रोश फैलता जा रहा है। तो वहीं बलरामपुर जनपद में कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में देर शाम सैकड़ों कांग्रेसियों ने वीर विनय चौक पहुंचकर शहीद वीर विनय के स्टैचू पर मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ में मणिपुर के मुख्यमंत्री की भी कठोर आलोचना की गई है। इस पर चर्चा करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर राज्य के इंफॉल घाटी में रहने वाले कुकी जनजाति के आदिवासी महिलाओं के साथ जो कुकृत्य किया गया है वो घोर निंदनीय है। वहां पर जो हिंसा हुई है उसमें अब तक सैकड़ों से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और भारी संख्या में लोग घायल हैं। वहीं तमाम जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को लेकर मौन है। दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार महिलाओं को बचाने का ढिंढोरा पीट रही है तो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ उसने उन दावों को खोखला साबित करके रख दिया है। की घटना हो या महिलाओं या किसी भी तबके पर जुल्म का मामला हो वो हमेशा बहुत सोचने का विषय होता है किसी भी देश की सरकार के लिए। मणिपुर की जो घटना है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटना है जिसको मैं बयान करते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बयान कैसे करूं। जो महिलाओं के साथ जो घटना हुई है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर मैं वहां के बारे में जरा सा भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं हर एक महिला को उसमें समेट रही हूँ, हर एक महिला के बारे में बात कर रही हूँ। वो सिर्फ दो महिलाओं या तीन महिलाओं या 100 महिलाओं की बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं की बात। से महिलाओं की सुरक्षा पे बिल्कुल प्रश्न लग गया है और महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हो गई हैं। जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है स्पेशली, वहां तो महिलाओं को बिल्कुल मर्दन करने पे सरकार उतारू है। अभी आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर क्या आप तो उत्तर प्रदेश में हाथरस का मामला ले लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, वहां उसके ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। मणिपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी विदेश घुमाए, तमाम पार्टियां मनाए, फ्रांस गए रफेल मामले को दफन करने के लिए, तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन मणिपुर का मां तक उन्होंने आज तक नहीं बोला। जब 77 दिन बाद वहां इंटरनेट किसी तरीके से कोई पा जाता है, बहाल हो जाता है, जैसे भी करके वो वीडियो वायरल होता है, तो प्रधानमंत्री जी के पहले जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेता है, कहता है कि अगर आप इस पे कुछ नहीं करेंगे तो हमको करना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री जी मजबूरन मणिपुर का मां बोल करके बाकी राज्यों को समेट देते हैं। बल्कि जबकि स्पेशली उनको एन बीरेन सिंह का अब तक इस्तीफा ले लेना चाहिए। जिस तरह पिछले लगभग 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया की सैर कराए और आज तक मणिपुर नहीं गए, पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें महिलाओं के साथ इतने विभत्स तरीके से बदसलूकी की गई जिसको कहना भी शर्मनाक है, और प्रधानमंत्री जी निकल के अगर मीडिया के सामने कुछ बोलते भी हैं तो उसमें जयपुर और जो है वहाँ रायपुर और कहाँ कहाँ की घटनाएं छत्तीसगढ़ राजस्थान की बता के उसके बाद कहते हैं और मणिपुर की जो घटनाएं जैसी निंदक या शर्मनाक है। तो मतलब जो सबसे बड़ी घटना जिससे पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर झुक रहा है उस पर मोदी जी और जैसी श्रेणी में उसको लाते हैं, और विरोधी पार्टियों के जो वहाँ कई जो घटनाएं होंगी महिलाओं के साथ वो भी, हम नहीं कहते कि वो शर्मनाक नहीं, वो भी शर्मनाक है, लेकिन जिस तरह पूरे दुनिया में भारत का सर नीचा हुआ है ये वीडियो जारी होने के बाद वो अति शर्मनाक है, उस पर अब भी आप चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं मणिपुर की सरकार के साथ, वहां की पुलिस क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, यहाँ रुकेंगे।